नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा चतुर्थी, विषय अंग्रेजी, एक्सरसाइज नंबर 2। इंट्रोडक्शन में से राइट इन स्मॉल लेटर, हमने छोटी और बड़ी वर्णमाला सीखी है, तो उसको कैपिटल को स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना, जिस प्रकार से लिखा गया है इंग्लिश ENGLISH, ये सारे कैपिटल अक्षर है। इन कैपिटल अक्षर को हमको इंग्लिश में लिखना है, स्मॉल लेटर में यानी छोटी वर्णमाला में लिखना है। तो लिखा है ENGLISH, उसी प्रकार से लिखा ग्रीन कैपिटल अक्षर में GREEN, उसी प्रकार स्मॉल लेटर में लिखना है ग्रीन, कैसे लिखना है ग्रीन, तो GREEN। हिंदू, जैसे लिखा है हिंदू, हिंदू लिखा है कैपिटल अक्षर में, तो इसको स्मॉल लेटर में लिखना है HINDU। चौथा लिखा है कैपिटल अक्षर में इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट यानी होशियार, INTELLIGENT, स्मॉल लेटर का प्रयोग करना है। उसी प्रकार से स्मॉल लेटर का प्रयोग किया गया था, अब हमें स्मॉल लेटर लिखा है उसको कैपिटल लेटर में लिखना है, उसको किस में लिखना है कैपिटल लेटर में। तो फर्स्ट बुकेट, BUCKET, बुकेट स्मॉल लेटर था, स्मॉल लेटर को हमको कैपिटल लेटर में लिखा है। मंकी MONKEY, मंकी यानी बंदर, इसको MONKEY, मंकी यानी बंदर कैपिटल अक्षर है, ये स्मॉल लेटर है। एनिमल ANIMAL, एनिमल यानी जानवर, एनिमल का मतलब होता है जानवर, एनिमल उसको कैपिटल लेटर में लिखा है ANIMAL, एनिमल यानी जानवर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कंट्री, कंट्री यानी देश, कंट्री CONTRY, कंट्री इसको कैपिटल में लिखा है तो CONTRY, कंट्री, इसमें अपन को लिखना है स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में और कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में। अब अपन आगे आएंगे वॉवल्स, हमने आगे पढ़ा था कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने होते हैं 26 लेटर में से 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं, मिला के 26 होते हैं लेटर्स, कितने होते हैं 26। अब अपन छाटेंगे, ये अपन को क्वेश्चन दिया है उसमें से वॉवल्स निकालने, अब हमें पता होगा तभी अपन लिख सकते हैं, इसमें से वॉवल्स छांट सकते हैं। वॉवल्स के लिए AE, IO और U, 5 वॉवल्स होते हैं। अब इसमें से निकालेंगे, सबसे पहला वॉवल्स यू, नंबर 2 वॉवल्स आई, नंबर 3 वॉवल्स ओ, नंबर 4 वॉवल्स और नंबर 5, ये 5 वॉवल्स है। इसके अंदर कौन कौन से वॉवल्स है, 5 वॉवल्स, और 5 वॉवल्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ओके, अब हम आगे आएंगे, नीचे दिए गए शब्दों में से कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन छांटने हैं, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन छांटने, तो व्यंजन कौन कौन से हैं ये बताना है अपन को, क्या बताना है व्यंजन, स्वर तो होते हैं, हमें ये ध्यान रखना है, हमें पास में AE, IO और U, हमें लिख लेना है, लिखने से हमें पता चल जाता है कि वॉवल्स है। अब ये कह रहा है इसमें से कॉन्सोनेंट छांटने, कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, AE नहीं है, R, P, L और N, ये कॉन्सोनेंट्स है। अगला है इसमें से ई वॉवल्स है, एल कॉन्सोनेंट, ई वॉवल्स है, P, H, N और T, ये क्या है कॉन्सोनेंट्स है, हमें इतना सा ध्यान रखना है, इसमें क्या है कॉन्सोनेंट्स R, J, S, T, H और N, ये क्या है कॉन्सोनेंट्स। अब इसमें से निकालेंगे कॉन्सोनेंट S, H, O, U, क्या है वॉवल्स है, तो L, D,
भी क्या है? वोवल्स है। ई और आर वोवल्स है? नहीं। आर क्या है? वोवल्स नहीं है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स लेटर्स। कुल 26 अक्षर होते हैं ए बी सी डी में। कितने अक्षर होते हैं? 26। ए से लगाकर जेड तक ए बी सी डी में 26 अक्षर होते हैं। वोवल्स 5 होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं, वर्ड्स 2 होते हैं। लेटर्स के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के लेटर्स होते हैं। वोवल्स यानी स्वर, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हमने अभी पढ़ा था ना, ए ई आई ओ यू, ये सारे क्या है? स्वर है। स्वर बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद में क्या बचता है? कॉन्सोनेंट्स बचता है। क्या बचता है? कॉन्सोनेंट्स। यानी लेटर्स में से स्वर अलग कर देते हैं 5, तो 21 कॉन्सोनेंट्स बचते हैं, और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, वोवल्स 5 होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, ये बहुत काम आती आने की चीज है। वोवल्स यानी 5, 5 वोवल्स होते हैं, 5 स्वर होते हैं। कॉन्सोनेंट्स यानी 21, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? ये क्या चीज है इंग्लिश? इसको क्या कह सकते हैं हम? इसलिए कह रहे व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट का मतलब क्या इज है? इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी भाषा। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। क्या है? भाषा। ये एक लैंग्वेज है, बोलने में काम आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? वही बात वापस रिटर्न हो रही है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंग्रेजी के शब्दों में, ABCD के शब्दों में कितने अक्षर होते हैं? हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट? तो लिखना है द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 26 लेटर। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं। 26 इंग्लिश में बोला जाता है, ऐसे समझ में नहीं आए तो 26 भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी वोवल्स हैज द इंग्लिश अल्फाबेट्स? अभी अपने पहले ही बताया था मैंने लेटर्स ABCD के 26 अक्षर होते हैं। 26 में से 5 तो वोवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये दिमाग में रखता हुआ वही पूछ रहा है, इस चीज को ध्यान रखना। वोवल्स, हाउ मैनी वोवल्स हैज द इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स कितने होते हैं? तो लिखना है, सीधा सा उत्तर है, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स। इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवल्स यानी स्वर होते हैं। इज इट ओके? आर देयर 21 कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं क्या? आपको भी बताया था कितने होते हैं, तो उसी प्रकार से करना। यस, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके,